हाँ तो गाइस अभी, हाँ तो गाइस अभी 9:05 हो रहा है और ये रात का टाइम है और मेरे दोनों देखिए लड़ रहे हैं। ये देखिए दोनों एक ये देखिए हम लोग की सबसे छोटी वाली पड़ी है जी हाँ ये। और ये रही मेरी हाँ जी कुछ नहीं और इधर चल रहा है काम काज। ये देखिए ये देखिए एक के लिए ये लोग लड़ रहे हैं। ऐसे नहीं चिल्लाना है। क्या नहीं खाना? बिस्किट नहीं खाना? ओके ले लो। फिनिश करना है बिस्किट, ठीक है? बिस्किट को फिनिश करना है। ओके हरदम सब्सक्राइब टू चैनल नहीं बोलते सोना। चलो डांस करके दिखा दो तो सुगु। क्या बड़ा है ये देखो। अभी लड़ाई होने वाला है। अभी लगता है लड़ाई होने वाला है। अभी मुझे लगा लड़ाई होने वाली है। दोनों को जो है ना जब एक किसी लेगी तो फिर दूसरा भी आना है, दूसरे को भी आना है। मतलब बस एक को अगर मामा की है किसी तो चाचू, चाचू से भी फिर किसी लेना है ना कुछ भी। हाँ तो आज बहुत दिन के बाद तो नहीं, मतलब 2-3 दिन के बाद नहाया था। और आज सब लोग घर में है। पीछे से भाभी इंस्ट्रक्शंस दे रही हैं कि नहीं ये नहीं डालने का, लेकिन आप अब मेरे नई फैमिली मेंबर बनने वाले हैं तो आपको पता होना चाहिए क्या क्या मेरी लाइफ में चलते हैं, है ना। तो अभी 9:10 हो रहे हैं, सभी लोग घर में खा रहे हैं। मेरे भैया मेरी दीदी है ना, देखिए मजा चल रहा है यहाँ पे, पूरे मजाक मस्ती चलते रहती है। चलिए अब देखते हैं और सब क्या क्या सब हो सकता है। ये देखिए क्या हो रहा है। इसको भी तो लेने दो, इसकी भी तो दीदी है सानवी। बाजू का भी दीदी तो है। चलो डॉगी डॉगी से पकड़ा देते हैं इसको। अभी नहीं खाया ये, इन लोग का ऐसे ही मस्ती चलता रहता है। कभी खाना नहीं खाना है, सिर्फ नाटक करना है। गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज ब्लॉग का दूसरा दिन है और अभी मेरा 6 बजे मेरा नींद टूटा है और अब बस देखते हैं आज का दिन कैसा जाता है। और अभी मैं चल रहा हूँ, जा रहा हूँ पार्क में
घूमने टहलने। चलिए तब चलते हैं। हाय, तो अभी मैं इकोलॉजिकल पार्क आया हूँ। मैं और मेरी दीदी हैं साथ में। हाय कर दीजिए। हाय। तो हम लोग रोज इसी तरह टहलते हैं पार्क में और हम कड़वा सा जूस पीते हैं। हाँ, ये रहा जूस, जूस के लिए बॉटल। और हम लोग बस ऐसे ही रोज निकल जाते हैं टहलने के लिए। थोड़ा सा मूड फ्रेश हो जाता है और बहुत अच्छा ग्रीनरी ग्रीनरी सा माहौल रहता है यहाँ पे। जूलॉजिकल पार्क है भोपाल का। चलिए देखते हैं और सब क्या सूट हो सकती है। गाइस, अभी फिर से दीदी से डांट वांट थोड़ा सा सुन रहे थे। दीदी का कहना है कि ऑफ द कैमरा दीदी बोल रही थी कि इसी फ्रस्ट्रेशन से तुमको डांट रहे थे कि तुम कुछ करता नहीं है, कुछ स्टार्ट भी नहीं करता है, सिर्फ बोलते रहता है। इसलिए कल जब फर्स्ट इसका व्लॉग आया तो मुझे बहुत खुशी हुई। महीने घर में सभी बहुत खुश हुए कि फाइनली मॉम ने कुछ किया। तो इसलिए सीरियसली हम लोग बहुत हैप्पी हैं कि अब ये कुछ करने जा रहा है, कुछ कर रहा है। आप लोग भी इसको सपोर्ट कीजिए, इसलिए कि अच्छा करें ये। तो मुझे भी सपोर्ट कीजिए। आपको रोज़ ब्लॉग आएगा तो रोज़ इंटरटेनमेंट करूँगा मैं आप लोगों का। मैं ट्रांसपेरेंसी भी बना कर रखूँगा अपने व्यूवर्स के साथ। चलिए तो देखते हैं आगे का पाथ कैसा है जियोलॉजिकल पार्क का, है ना। चलिए करके आ चुका हूँ। और अभी सुबह के 8:30 बज रहे हैं। लगभग एक घंटे मॉर्निंग वॉक करता हूँ। हाँ, तो भाई साहब सुबह सुबह मेरी भतीजी उठ चुकी है। हाय कर दो तो। हेलो, हाय कर दो तो। हाय कर दो। हाय, हाय कर दो। हाय, सुबह सुबह जग गई है। अभी मेरी भांजी भी जगेगी, उसके बाद फिर दोनों का युद्ध शुरू होगा। दीदी कहाँ? दीदी कहाँ है? दीदी, दीदी कहाँ है? वो यहाँ है। अब बुआ कहाँ है? बुआ, हाँ, गुड। डांस करके दिखा दो तो। कुल्लू डांस करके दिखा दो। ऐसे 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 छोड़िए, तो उसको जगाना है ना। जगा रही हूँ। छोड़िए, मेरी पैर रखी थी। चला, छोड़िए तो बाबू को। छोड़िए, आय छोड़िए तो बाबू को। बाबू जगेगी। बाबू गुड मॉर्निंग, ट्यूशन जाना है। गुड मॉर्निंग सोना बेटा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, हे गुड मॉर्निंग। स्माइल करते हुए गुड मॉर्निंग।
क्या स्माइल है। Hey guys, it's 4:15 in the evening और मैं अभी नहा के तैयार हो चुका हूँ, तो अभी देखता हूँ उधर जाकर के कैसा क्या सब हो रहा है उस फ्लैट में, और बस मज़े में है। और चलिए देखते हैं आज, और अब तो दिन की अंत होने वाली है और आगे क्या सब होता है। हाँ तो गाइस अभी 4:15 हो रहा है और सब लोग यहाँ पे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। अभी मेरी भांजी पढ़ाई लिखाई कर रही है और वंशु मेरी जो भतीजी है वो अभी उठ कर आई है। आप देख सकते हैं कैसे पढ़ाई वढ़ाई होती रहती है, पढ़ाई वढ़ाई चल रही है, ठीक है बाद में बात करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की माँ का निधन हो गया है, लेट हीरा बहन का आज अहमदाबाद में। तो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ही सोच समझ सकते हैं कि उन पर क्या बीत रही होगी। ये भी लाइफ की एक पार्ट होता है, जैसे दूर से देखने पे, दूर से अगर मैं देख रहा हूँ तो वो रास्ते में कोई जाते हुए दिख रहा है ना, और वो जैसे ही राइट या लेफ्ट टर्न ले लिया वो फिर नहीं दिखता है, लेकिन वो तो भी आगे बढ़ते रहता है। इसी तरह लाइफ जो है वो कंटिन्यू रहता है। तो आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं और फिर आपसे कल मिलते हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एनी अपडेट ऑन माई यूट्यूब चैनल। एंड प्लीज़ आप अपना सपोर्ट दिखाइए और सब्सक्राइब बिल्कुल करके ही जाइए प्लीज़।